प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत, और यही मात्रा आगे एक महीने में हर महीने स्प्रे करना, महीने में एक बार यही इसी मात्रा में छिड़काव करना है। 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत महीने में कितना बार? एक बार छिड़काव करना है। जब तक आप है तब तक, जब तक पेड़ है तब तक। हाँ, अब ये पहला साल हो गया है ना, कितना हो गया है? पहला साल। अब लिखिए दूसरा साल, बारिश काल में प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत महीने में एक बार पहले 6 महीने तक देना है, छिड़कना है। पहले कितने महीने तक? 6 महीने। अगले 6 महीने में दूसरे साल प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत एक महीना छोड़कर छिड़कना है। 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद छिड़कना है, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद छिड़कना है, ठीक है। तीसरे साल प्रति 2 मास में कितने बार? एक बार। 2 महीने में एक बार 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवाणु छिड़कते रहिए, बस। आगे वो कंटिन्यू करे, आगे क्या करे? कंटिन्यू, जब तक हमें फल मिलता है तब तक कंटिन्यू करे। अब लिखिए खड़े पेड़ पर जीवाणु का छिड़काव। खड़े पेड़ माने अभी बाग आपकी खड़ी है, अभी आम पुराने पेड़। फल कटाई के तुरंत बाद कटे हुए हिस्से से जो रिसाव बाहर आता है, द फ्रूट इज सिक्रेटेड। कटे हुए हिस्से से क्या आता है बाहर? रिसाव आता है। उस पर फंगस बैठते हैं, उस पर फफूंद आते हैं, नुकसान करते हैं। उनसे बचने के लिए फल निकालने के बाद तुरंत प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवाणु छिड़क दीजिए, यानी उसकी रोकथाम हो जाएगी, तो फंगल इन्फेक्शन रुक जाएगा। हाँ ठीक है। अब लिखिए बाहर आने के बाद, बाहर को क्या बोलते हैं? बाहर आता है, फूल आते हैं, कली अवस्था होती है ना। बाहर आने के बाद कली अवस्था में तुरंत प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 6 लीटर अग्निअस्त्र छिड़कना है। बाद में बताऊंगा अग्निअस्त्र क्या है, कल बताऊंगा कैसे करना है। अग्निअस्त्र, अग्नि मिसाइल, 200 लीटर पानी 6 लीटर अग्नि अस्त्र, अथवा 200 लीटर पानी 6 लीटर दशपर्णी अर्क दवा है, दशपर्णी अर्क। क्योंकि अभी नए फूल आए हैं तो कौन आते हैं? जैसिड आते हैं, कीट आते। दशपर्णी अर्क कल बताऊंगा, दशपर्णी अर्क घर में तैयार करना है हमें दवा। अर्क कषाय, दश माने कितने? 10। पर्ण माने पत्ते, अर्क माने रस, उसका घोल, दश पनीर। हाँ जूस बोलते, राइट। अब इसके क्या होगा कि कली अवस्था में कौन आते हैं? वो कीट आते हैं ना, उसको छीट करते खा डालते। बर्ड बोर आते, वो भी नुकसान करते। उनको नुकसान को टालने के लिए क्या कर रहे हैं? ये लिखिए, इस छिड़काव के 21 दिन के बाद तुरंत दूसरा छिड़काव, वही प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 6 लीटर अग्निअस्त्र, अथवा 200 लीटर पानी 6 लीटर दशपर्णी अर्क। अब फ्रूट सीडिंग के लिए अभी
हमारी तैयारी हो जाएगी। कली अवस्था में अब लिखिए फल निर्धारण के बाद यानी फ्रूट सेटिंग के बाद, फल धारणा होने के बाद, जब फलों का आकार कुल आकार का 25% हो जाएगा। कितना आकार? जो कुल आकार है बड़ा आकार उसका कितना 25% हो जाएगा उस समय पहला छिड़काव, उस समय पहला छिड़काव प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत कपड़े छाना हुआ। चलो अब लिखे जब फल आधा आकार का होगा उस समय दूसरा छिड़काव। आधा माने कितना? 50%। अगर इतना बड़ा फल है तो आधे साइज का। प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क, कल लिख कर दूंगा, एक टॉनिक है जो फलों का आकार बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाता है, भंडारण क्षमता बढ़ाता है। 200 लीटर पानी नहीं डालना है, देखिए पानी नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है, 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क का छिड़काव करिए। हाँ, प्रति एकड़ 200 लीटर पेड़ पर छिड़क देना है। अब लिखे अंतिम छिड़काव, वो कल बताएंगे, आज नींद नहीं आनी चाहिए आपको। आज ये कैसे, ये सब तो धान्य गुण क्या है, ये कहां से आएगा, क्या किसे करना है, नींद नहीं आना चाहिए। प्रति एकड़ 200 लीटर सब तो धान्य गुण हो गए, दूसरा हो गया। अब आखिरी छिड़काव, जब फलों का आकार 3/4 होगा उस समय प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क पानी नहीं मिलाना है, अथवा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 5 लीटर खट्टी लस्सी खट्टी छाछ। बस ये शेड्यूल अमल में लाइए, बढ़िया काम हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा। समझ में आएगा जीवामृत कैसे छिड़कना है। अब लिखिए पौधों पर, लिखे फसल पर या पेड़ पौधों पर जब भी जीवामृत का छिड़काव करोगे तब पौधों पर जीवामृत छिड़कना ही है। साथ में उसी समय दो पौधों के बीच में जो खाली जगह है वहां भूमि पर भी छिड़कना है, जमीन पर भी छिड़कना। समझ में आ गए जो हम का छिड़कना, समझ में आ गया सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। और गन्ने को जब गन्ना लेंगे तब बताएंगे गन्ने को कैसे छिड़कना है ना। ठीक है, तो अभी तक जो विषय हमने रखा वो समझ में आ गया सबको? आ गया? नहीं, दीमक का बात तो अभी नहीं है, वो बाद में आएगा। कोई हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं, लेकिन जो मैंने मात्रा बताई उससे ज्यादा नहीं लेना है। छिड़काव ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मात्रा बदलना नहीं। अगर एक रोटी खाओगे तो अच्छा होगा, 10 खाओगे क्या होगा, हॉस्पिटल भरते कितना पड़ेगा, उसी तरह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो साथियों देखिए, चार प्रकार के पौधे होते हैं। एक होते हैं मौसमी फसलें, वो मैंने बता दिया। एक होती है झाड़ी, झाड़ी माने हमारा शरीफ है ना, अनार है, ये क्या है, झाड़ी, उसमें बता दिया है। दूसरा होता है पेड़ मझोले, संतरा है, मौसम्बी है, माल्टा है ना, जो आकार के मीडियम आकार के, उसको मैंने बता दिया। और बड़े पेड़ उसको भी मैंने बता दिया। आपके जो आप बता रहे वो किस में आते हैं? इलायची कहाँ आती है? इलायची आती है झाड़ी में। इलायची कहाँ आती है? झाड़ी में आती है। और सेब कहाँ आता है? बड़े पेड़ में, मीडियम में आता है ना, मीडियम में आता है। जो जिसमें आएगा उसमें छिड़कना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है?